करना है, फिर ना उसको चिपटा कर देना है। आप लोग बता रहे कितने इसे छोलनी से और बेलने से कुटाई करेगी। बॉटल में पानी भरना, यहाँ के ना मेरा दिमाग झंझरा देगी। एंड चिकन, सो पुलाव के लिए स्पेस में जो भी एलर्जी चिकन का वो पकौड़ा बनने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी याशो, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग वीडियो चैलेंज। सो आज है फ्राइडे और आप सभी को रमज़ान का दूसरा जुम्मा बहुत मुबारक हो। और आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ माई स्किन, कल रात से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे स्किन में बहुत गंदा वाला एलर्जी हुआ है। स्किन बार बार रेड हो जा रहा है और स्किन की टेक्सचर में ना एकदम छोटे 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 बहुत सारे दाने टाइप के आ गए, जैसे घमौरियाँ होती है ना वैसे, बट ये घमौरी नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। मुझे लग रहा है शायद कुछ प्रोडक्ट मुझे रिएक्ट कर गया है, तो इसीलिए अभी हम अपने स्किन में कुछ भी नहीं लगाएंगे यार। आई डोंट नो, मतलब मेरा स्किन इतना सेंसिटिव है ना कि कुछ भी चूसे चाकर हो ना तो कुछ ना कुछ इरिटेशन हो जाता है। तो अब सिर्फ वो एलोवेरा लीफ मैं सोच रही हूँ लगाने का और दूध, और स्किन बहुत ड्राई हो गई है, एक्सेस ड्राई हो गई है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो चलो अभी हम लोग नीचे चलते हैं, मैं अपना आउटफिट आपको दिखा देती हूँ, पहले वेट। सो गाइस, इस प्यारे से आउटफिट को मैं स्टिच की हूँ। यहाँ सामने से पट्टी है एज यू कैन सी, एंड ये शर्ट टाइप का है एकदम, ये शर्ट के जैसे इसको कॉर्डसेट मैं बनाई हूँ। एंड लुक एट द स्लीव का डिटेलिंग, स्लीव का डिटेलिंग इतना ज़्यादा प्यारा है ना, माशाल्लाह सबको बड़ा प्यारा लगा है। एंड दिस इज माई सूट, और इसको मैं पेयर की हूँ व्हाइट दुपट्टे के साथ। वैसे इस पर पिंक दुपट्टा जाएगा एकदम बेबी पिंक, बट अभी मेरे पास था नहीं, तो अभी हम लोग अगर बाहर जाएंगे ना तो मैं एक पिंक दुपट्टा ले लूँगी। एंड दिस वॉज लुकिंग सो गुड। इस पर मैं पैंट स्टिच की हूँ, ये प्लाजो नहीं है, दिस इज वो पैंट ट्रोजर पैंट वाला पैंट है ये। एंड लूजिंग्स मैंने रखे हैं बहुत ज़्यादा, एंड बॉडी पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो द लुक इज समथिंग लाइक दैट, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ इट्स लुकिंग। सबसे ब्यूटीफुल थिंग इसका ये है स्लीव है, एंड इसमें वजू करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। नीचे चलते हैं यार, मम्मी अकेले काम कर रही है, तो चलो मेरा असर का नमाज भी डन हो चुका है एंड आई एम रेडी, लेट्स गो। आई इन माय किचन एंड अकेले आज मैं आपको दिखाती हूँ बॉइल्ड पोटैटो एंड एग्स, बट आज इसका वो ब्रेड रोल नहीं बनने वाला है, आज इसका बनेगा आलू चॉप और अंडा चॉप। तो चॉप चॉप क्या होता है अब आप लोग समझ जाना क्या होता है, राइट। उसमें बस मसाले वगैरह मिक्स करके उसमें उसको बेसन में मिक्स करके देन बस फ्राई कर देना होता है, एंड सिंपली बस वही चीज़ होता है। एंड इसके साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, हेयर दिस इज मैं बताती हूँ व्हाट इट इज़। तो ये जो है ना, ये चिकन का वो पकौड़ा बनने वाला है। अब चिकन का पकौड़ा बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। चिकन के ले लो, उसको थोड़ा सा थिक ग्राइंड कर लो, मतलब अगर ऐसे ऐसे कूटोगे भी ना तो वो बस उस टेक्सचर में आ जाएगा जो टेक्सचर आपको चाहिए। उसमें बेसन को मिक्स करो एंड उसमें सारे मसाले इंग्रेडिएंट्स सब कुछ मिक्स कर दो, थोड़ा सा प्याज कट कर दो, थोड़ा सा ग्रीन चिली कट कर दो, एंड बस उसको मिक्स कर लो। एंड बस नॉर्मली जैसे आप प्याजो कचरी फ्राई करते हो इसको फ्राई करो, बट इसको ना बहुत ही लो फ्लेम पे पकने देना, बहुत लो फ्लेम पे पकने दोगे ना तो वो चिकन जो है ना वो अच्छी तरीके से पूरी तरीके से पक जाएगा। तो मम्मी को अभी इधर जो चीज़ भी करना था वो सब कुछ इधर मम्मी ने करके जा चुकी है, बस मुझे फटाफट से क्या करना है ना कि इसको पोटैटो को फ्राई करना है एंड उसको सारा उसका फ्राई करके सब कुछ रेडी कर देना है एंड या दैट्स इट। और टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इतने सारे काम मेरी मम्मी करके जा चुकी है और अब बस मेरा काम है पोटैटो को फ्राई कर देना, फिर हम लोग फ्रूट्स कट करेंगे। जब तक तो मेरी मम्मी कहीं नमाज पढ़ने असर का, और मेरा तो असर नमाज ऑलरेडी डन हो चुका था। सो आज हम बनाते हैं। अरे एक और चीज़ तो बताना भूल गया, फिर से चना बन भी गया, चना से ज़्यादा मम्मी बोल गई थी चना में टमाटर काट के डाल देना। सो टमाटर ये रहा, टमाटर लास्ट में डला करके फिर उसको लॉक करना होता है। तो मैं इस कढ़ाई को बंद कर देती हूँ, कढ़ाई को मैं ऑन कर देती हूँ, आज दिखाती हूँ। रहा कुकर, इसको कुकर आप लोग जानते ही होंगे, जानते हो ना। एंड इसमें रहा ये चना, देखो अभी ये बनने के बाद इस तरीके से हो गया, बट अभी हमने इसमें कुछ करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं मैं बताती हूँ। देखो प्याज थोड़ा खरा खरा दिख रहा है ना, बट अब जब हम उसे मिक्स करेंगे ना तो वो पूरी तरीके से ये हो जाएगा, अच्छे से गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ले रही हूँ, बस ऑन हो जाओ। और इसके बाद क्या करना है ना, इसमें ये टमाटो मैंने पतले पतले स्लाइसेस कट कर लिए हैं, ये बस हाफ टमाटो में कट किए हैं, इसमें डाल देना पानी में, और बस अब इसको अच्छी तरीके से ना ऐसे मिक्स करना है। वैसे इसमें का पानी आज पूरी तरीके से नहीं पानी है इसमें, आज मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ, दिखेगा। देखो इस साइड में है पानी, अभी बहुत सारा है, दिख रहा है। तो इस पानी सबको सुखा देना है, और वो पानी सूखते सूखते टमाटर भी गल जाएगा हमारा। तो बस हमें इस तरीके से चलाना होता है। ये देखो प्याज गायब हो गया ना, तो ये एक जादुई सा टेक्निक है याश्विन का, और इस जादुई टेक्निक के बारे में आप लोग किसी को मत बताना। इस फेस में जो भी एलर्जी मुझे हुई है प्लीज़ उसके बारे में मुझे कुछ नुक्स वगैरह बता देना, नुस्खा, बिकॉज इसको सही करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटे छोटे से दाने हुए, आपको दिखेंगे नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि हाँ स्किन टेक्स्चर बहुत रफ हो गया। और आज मुझे जाना है लाइक
आज मुझे घर से बाहर जाना है और एक बहुत इम्पोर्टेंट शूट के लिए जाना है, और वो शूट क्या है क्या नहीं है सब कुछ मैं आपको बता दूंगी, और उसके साथ साथ ईद की थोड़ी सी शॉपिंग हो जाएगी हमारी 10-20%। वैसे इस बार ना सारे शॉपिंग्स मैं मिला के कर रही हूँ, लाइक कुछ शोरूम से खरीदने वाली हूँ, कुछ ऑनलाइन से ले रही हूँ, कुछ मार्केट से लेने वाली हूँ, कुछ फुटपाथ से लेने वाली हूँ, तो सारे हमारे शॉपिंग्स बहुत मिक्स एंड मैच काइंड ऑफ होने वाले हैं। तो अभी बस मैं वेट कर रही हूँ, 15 रोज़ा का तरावी ख़त्म हो जाएगा, उसका तब मार्केट में बहुत पहतहल चहल होता है, और अभी तक मैंने कुरान भी मुकम्मल नहीं करे हैं, और कल भी मैं कुरान नहीं पढ़ पाई थी बिकॉज टाइम नहीं हुआ था यार, मम्मी आके ना मेरा दिमाग झंझना देगी जितना मैं बकवास करती हूँ ना, काम कुछ नहीं करती हूँ और बकवास बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो बस इसे चलाते रहना। तेल डाल दिया और इसका पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है, तो अब हमने इसको लॉक कर देते हैं, और जो टमाटर गला नहीं है ना वो लॉक होने के बाद इसके भाप से गल जाएगा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस जो कि हमने बचपन में साइंस में भी पढ़े थे। बस इसको इस तरीके से लॉक कर दो एंड दैट्स इट। अभी यार ये पता है एक वो इतना छोटा सा कीड़ा होता है जिसको झिंगुर बोलते हैं हम लोग, वो हमारे किचन में घुस गया और पता नहीं कौन से कोने में घुसा, और बस हर टाइम टिची मतलब किचन में मुझसे ज़्यादा वही बोल रहा है, ऐसे थोड़ी काम चलता है। देखो और ज़ोर से बोलने लगा, मतलब उसने सुन लिया कि मेरी तारीफें हो रही है तो मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा ज़ोर से बोलना चाहिए। ये कीड़े मकोड़े भी ना सोचो, जब वो इतना खुश हो रहा है अपना नाम सुन के तो मैं क्यों ना खुश हूँ, तो इसीलिए मैं भी बोलती हूँ, और मैं ओवर नहीं करती हूँ, मैं ऐसी हूँ। और ये कैसे छपाक से आवाज़ करेगा, एक मछली पानी में गई छपाक, दो मछली पानी में गई छपाक छपाक, हमारा इतना सारा प्याज इतना सारा प्याज इतना सारा प्याज तेल में गया तेल में गया तेल में गया, अब देखना इसके आगे ये बोलेगा छपाक एंड छपाक, वी डिड इट। अब इसको हम ऐसे करेंगे मिक्स करेंगे, हमें ये चाहिए जिसे छोलनी बोलते हैं, और इसे हमारी पिटाई भी होती थी बचपन में, आप लोग बता रहे किसने किसने छोलनी से और बेलने से कुटाई करे हुई है किसकी किसकी। तो फिर मैं डांट सुनने वाला काम करती, मेरी मम्मी बोल गई थी बड़े वाले कढ़ाई में करना क्योंकि सब कुछ फ्राई भी करना है तो बड़े वाले कढ़ाई में ही फ्राई होगा, एंड मैंने छोटे वाले कढ़ाई निकाल ली बिल्कुल अपने जैसे, जैसे मैं छोटी हूँ मेरा बुद्धि छोटा है वैसे ही मेरे काम भी छोटे छोटे होते हैं, कोई बात नहीं छोटी सी डांट सुन लेंगे और क्या। और ये प्लेट ले रही हूँ, इसमें पता है हमें पोटैटो के बॉल्स बनाने हैं, फिलहाल हम लोग इधर आते हैं इस रूम में, एंड अब हम ना क्योंकि फ्रूट्स भी कट करने हैं यार, सबसे ज्यादा तो मतलब पपाया कट करने में मेरी हालत खराब हो रही है, एंड बेदाना पील करने मेरा पता है हाथ ब्लैक हो जा रहे हैं यार, अभी तो फिलहाल सही है, मम्मी को बोलूँगी कि आप बेदाना कट कर लीजिए बिकॉज आज मुझे निकलना है बाहर, एंड उसका पीसेस ले लेना है आपको अपने हाथों में इस तरीके से करके, आपको पहले गोल गोल करना है फिर ना उसको चिपटा कर देना है, मतलब इतना आ जाएगा, एंड इसके ऊपर ना बेसन का पेस्ट लगा के लपेट के धनिया फ्राई हो जाएगा, एंड फिर ये बहुत ही अच्छा लगता है, या फिर उसके ऊपर वो भी जैसे उस दिन मैंने बिस्किट का क्रश किया था ना तो उसको भी लगा करके तब वो बहुत क्रंची क्रंची बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इतना में हमारा जितना होगा बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, और मुझे लग रहा है इतने पोटैटो में बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पता है रोज़ा खुलने के बाद इंसान खा नहीं पाता, और जो बचता है ना वो बाद में आदमी खा नहीं पाता है तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, जितना हो सकेगा मैं उतना से इसको बनाऊंगी ऐसे करके। सो गाइस ये देखो पोटैटो बॉल्स हमारे रेडी हो गए, इसको बॉल्स नहीं बोलेंगे ये फ्लैट हो चुके हैं, मतलब पहले इसे बॉल्स बनाओ फिर इसे फ्लैट कर दो, तो इसे पोटैटो टिक्की बोल सकते हैं या क्योंकि टिक्की ऐसे ही दिखता है। आप इसको अच्छे तरीके से ऊपर से कोट वगैरह लगाते हो ये सब फ्राई हो गए, हाँ।
रोजा रोक दिया जाएगा है ना बाबू। चलो क्या पकड़ना है तुमको, पकड़ो। मुझे झोंच हो रहा है जी, तुमको नहीं आ रहा था आज, तुमको नहीं आ रहा जी। मैं आउटफिट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मतलब अभी मैं सोच रही थी ये वाला पाकिस्तानी सूट वेयर कर लेने को। दिस इज़ सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल, मतलब इसमें ये देखो नीचे में स्टिप्स लटकने भी लगी हुई, इसकी ये प्रिंट नहीं है, ये थ्रेड वर्क है। बट मैं अभी सोच रही हूँ कि नहीं, मेरे पास इसके अलावा भी और ऑप्शन है, बिकॉज ये अभी मेरा एकदम न्यू एंड कोड़ा कपड़ा है, तो अभी मैं इसको साइड रखना चाह रही हूँ। जो मेरा यूज है मैं उसी में से सोच रही हूँ कोई पहले, बिकॉज कपड़े तो यार इतने सारे, बट पता नहीं जब कहीं जाना होता है तो वो कहाँ चले जाते हैं। अभी इसमें भी मेरे एक कपड़े हैं एंड उधर भी एक कपड़े हैं, मतलब अभी कपड़े इधर बहुत सारे, बट ये सारे मेरे कोड़े कपड़े हो गए ना, तो मैं इसको सोच रही ईद पर्पज पे रखने के लिए, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोना यूज देम। तो जो यूज है कपड़े मैं उसी में से निकालती हूँ एंड बस अभी इसी में मैं बहुत ज़्यादा ये हो रही हूँ एंड जहाँ मेरे को जाना है वहाँ से भी कॉल आ चुकी है। सो गाइस आई डिसाइडेड टू वेयर दिस आउटफिट बिकॉज हाँ ये ठीक है, लाइट है, सटल सा है, नॉट डैट मच हेवी, नॉट डैट मच लाइट, मतलब एवरेज वाला है एंड द लुक इज गुड। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं इसी को पहन लेती हूँ। एक्चुअली ये सारे कपड़े भी और ये कपड़े मेरी ईदी में आई थी, अगर आप लोग को याद होगा तो। चलो अब ईदी की बात हो गई तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम इससे भी इससे रिलेटेड भी कुछ डिस्कस कर लेंगे, बट फिलहाल नहीं, बिकॉज आज का ब्लॉग हमारा कुछ और ही है। सो आज मैं जा रही हूँ, अब चल के ही बताऊंगी, अभी तो फटाफट से मेकअप कर लूँ, लाइट मेकअप करना बहुत हेवी नहीं करना मुझे। सो फॉर द मेकअप अभी मैंने ना मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है, बट मेरी जो स्किन है बहुत एक्सेस ड्राई हो रही है, तो पता नहीं क्यों इसमें थोड़ी थोड़ी जलन हो रही है एंड अभी मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ फिटमी का, बहुत लाइट बहुत हल्का फाउंडेशन यूज़ करूँगी, नॉट डैट मच कि एकदम लगी कि हाँ हमने बहुत ज़्यादा चपोत रखा है, बस थोड़ा सा घाटी है। मेकअप में आई लव मस्करा एंड लिपस्टिक, वैसे तो सारे ही मेकअप एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, बट मस्करा और लिपस्टिक लगाने के बाद ना वो फुल लुक वगैरह मस्त सा आ जाता है, और जब तक मैं अपने आईब्रो को अच्छे से शेप नहीं देती हूँ तब तक मुझे वो मज़ा नहीं आता। ये वाले झुमके बहुत क्यूट से एंड छोटू से भी हैं, तो मैं इसी को वेयर कर लेती हूँ, क्योंकि यार ठीक है इस आउटफिट पर झुमके जाएंगे, माना कि थोड़ा सा हेवी हो रहा है, बट नहीं इट्स गुड। So guys, for the very first time, I'm not going to wear that bold red lipstick. Today, I'm going to wear this nude lipstick. यार हाथों में लोशन लगाने के बाद ये लिपस्टिक खुलते नहीं है, बहुत स्लिम सी इसकी पैकेजिंग है, by brand Mamaearth 04 Berry Nude एंड ये पीछे पिंक काइंड ऑफ शेड है इसका। ऑलरेडी मैं पिंक लाइनर अप्लाई कर ली हूँ तो इसका थोड़ा सा डार्क शेड आ जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, इतना न्यूड, दिस इज गुड शेड। Guys, I'm done and मैंने ये पीच वाली पर्स ले ली बिकॉज मैं पीच लिपस्टिक अप्लाई की हूँ एंड इसमें मेरा कैमरा रहा, बस फटाक से चलो बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा एंड दिस इज माई आउटफिट लुक इन द मिरर, कैसा है लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। चलो जल्दी चलते हैं यार फिर हम। सो आई वेंट आउट फॉर शॉपिंग एंड फॉर द शूट बिकॉज हमारे लोकेलिटी में बहुत ही अच्छा शॉप है, वो ओपन हुआ था एंड कुछ मंथ हो चुके थे एंड वहाँ का फुल वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख लें, इट वॉज सो गुड। मैं आपको अपने पीसेस शेयर करूँगी घर जाके, एक्चुअली देयर कलेक्शंस आर सो गुड, तो आप यहाँ ज़रूर से आना एंड ज़रूर से ट्राई करना, डेफिनेटली ट्राई करना। ओके गाइस आई एम बैक टू माय होम एंड मैं अपनी मम्मी को कपड़े दिखा रही हूँ, देखती हूँ मम्मी को कैसा लग रहा है। देखो मम्मी ये एक कपड़ा है, ठीक है, ये वाइट वाइट पूरा सेट है और इसमें मोती वगैरह का वर्क है, खोल के देखिए तो खूबसूरत लग रहा है। कैसा है कपड़ा, कैसा है इसका कपड़ा बताइए, सिल्क की तरह लग रहा है ना, कॉटन सिल्क है, बहुत सुंदर है और इधर देखिए बॉर्डर पे भी पूरा वर्क है, और एक कपड़ा ना ये है, इसको खोल के देखिए, हाँ प्लाजो है, नीचे में वर्क है और दुपट्टा है इस पे, इसको खोलिए, सारा ना उन लोग बस सिला सिलाया ही कलेक्शन है, बहुत सारा कलेक्शन है, बहुत प्यारा प्यारा, हाँ ये फ्रॉक ही है पूरा, नीचे में इसके दामन में वर्क है और नेक पे वर्क है, ये कैसा है, दोनों में से कौन अच्छा है, वो तो अंदर का है, हाँ अस्तर है, वेल आज डिनर में बन रहा है पुलाव एंड चिकन, सो पुलाव के लिए पहले इसको स्टेन कर लेना होता है ना एंड ये चावल बहुत ज़्यादा अच्छा है चावल स्टेनिंग के लिए एंड इधर चिकन जो है सो बन चुका है एंड पुलाव के लिए पानी भी गर्म हो चुका है और ये पुलाव मम्मी बनाएंगी बिकॉज मेरे को नहीं आता बनाने।
आते हैं, बना सकती हूँ, बट ज़्यादा टेस्टी मम्मी बनाती हैं, सो शी विल कुक। और देखो इसमें पानी गर्म हो चुका है, इसे हम बंद करते हैं। ज़्यादा कपड़ा मसाला मतलब कि ये कयामत के चिन्ह से हटे। गाइज देयर कलेक्शंस आर सो गुड, सबको बहुत पसंद आया, मेरे घर में पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जो दो आउटफिट पर पिक करके लेके आई ना, डैट आउटफिट्स आर सो गुड, बस अब उसको ऑल्टर के लिए देना है, ऑल्टरेशन के बाद देन आई विल शेयर इट हाउ द लुक इज़ लुकिंग, हाउ द लुक इज़ कमिंग आउट। एंड इधर हमारे लोकेलिटी में ऐसा कोई भी शॉप स्टोर नहीं था, एंड द स्टोर इज़ सो गुड। सो गाइज यू ऑल नो वर्ल्ड, सबसे बोरिंग काम इस पूरी दुनिया का क्या होता है, बॉटल में पानी भरना। इसलिए भी सोची कि चलो ठीक है मैं आप लोग को लेके आती हूँ और मैं आप लोगों से थोड़ी सी चिट 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 बातें बातें भी कर लूँगी और मैं अपने बॉटल्स में पानी भी भर लूँगी। तो आप लोग बताना आप लोगों को सबसे ज़्यादा बोरिंग काम कौन सा लगता है। और अभी हमने मेकअप भी रिमूव करना है, अपने ज्वेलरीज रिमूव करने हैं, मतलब मैं ये क्यूट से बस झुमकी पहन के गई थी बिकॉज यार वाज लुकिंग क्यूट एंड मेरे पास इतने सारे ज्वेलरी कलेक्शंस हैं बट मैं यार कभी पहनती नहीं हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने बाय क्यों करे थे, क्या सोच के मैंने बाय करे थे एंड क्यों ही मैंने बाय करे थे, बट कोई बात नहीं, अब वो हमारे पास है और इसे पहनेंगे एंड पहन पहन के हम इसे फ्लॉन्ट करेंगे। सो बस फटाफट से सारे बॉटल्स को फिल करने के बाद हम नीचे चलते हैं, मेकअप रिमूव करते हैं बिकॉज अभी हमें ईशा की नमाज भी पढ़नी है। एंड ईशा की नमाज के बाद यार आज भी मैंने एक पारा भी नहीं पढ़े हैं, मतलब पता नहीं क्या हो गया है, एक तो स्किन भी डैमेज हो गई बहुत ज़्यादा, अब स्किन को कैसे मैनेज करूँ यार मुझे बताओ आप लोग। क्या मस्त खुशबू आ रही है यार नीचे से पुलाव के आए हैं, मतलब बासमती चावल के जब पुलाव बनते हैं तो हर तरफ बहुत ज़्यादा खुशबू जाने लगती है, या फिर बासमती का जब खीर भी बनता है ना तो भी बहुत ज़्यादा, मतलब बासमती में एक अलग सा खुशबू होता है यार, एंड दैट खुशबू इज़ रियली वाव। बाय द वे आज ना मैं अपना ये नमाज आउटफिट निकाल के इसको वॉश करके बढ़िया से साफ़ सुथरा कर चुकी हूँ, और दुपट्टा ये मेरा उस वाले आउटफिट पे का है जो मैं पहले ही रोज़ा को पहनी थी। एक्चुअली नमाज आउटफिट पहनने से ये फ़ायदा होता है ना कि वो जो ये पैर का वो जो पॉइंट होता है ना, मैं एंकल लेंथ पे जब पहनती हूँ तो उससे वो विजिबल हो जाता है नमाज़ पढ़ने में, और मैं कितना भी नीचे पैंट सरकाती हूँ जब सजदे में जाते हैं तो भी वो उठ ही जाता है ऑलमोस्ट, तो इसीलिए नमाज़ आउटफिट में पूरा फुल बॉडी आपका सिक्योर हो जाता है, कवर हो जाता है। एंड ये दुपट्टा बहुत ज़्यादा गफ है, किसी ने मुझे कॉमेंट किया था कि शिफॉन का दुपट्टा ओढ़ के नमाज़ नहीं अदा होती है, तो थैंक यू सो मच यार ऐसे ऐसे प्लीज़ छोटे छोटे पॉइंट्स मेरे को बता दिया करो। एंड या तो अभी जो रूम का मेस्ट है बहुत गंदा वाला मेस्ट है, उन सबको थोड़ा क्लियर आउट करके फिर हम लोग चलते अपना खाना वाना लेके आते हैं। वैसे आज मैं पिंक पिंक आउटफिट पहनी थी एंड पिंक पिंक बेडशीट भी मैंने अपनी चेंज की है, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं अपने इस रूम में पिंक कलर का बेडशीट अप्लाई की, वरना मैं हमेशा व्हाइट बेडशीट अप्लाई करती हूँ। और अभी चलते हैं यार थोड़ा इन सब मेस्ट को क्लियर आउट करते हैं एंड खाना वाना लेके आते हैं, एंड देन फिर मैं इस ब्लॉग को एंड अप कर ही दूंगी। दिस वॉज लाइक अ गुड काइंड ऑफ ब्लॉग, मतलब ठीक था ओके